हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन ट्रेल सिम्युलेटर का मोड ईपीके कैसे इंस्टॉल मारते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि आज अपडेट में क्या क्या होगा। पहला तो आपको डोरेंटो का कोर्टियस में आपको पेंट्रिकर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा अपडेट होएगा शताब्दी में आपको न्यू LHB स्लीपर, न्यू LHB AC चेयर कार, न्यू LHB पेंट्रिकर अवेलेबल हो जाएंगे। और तीसरा था VX7 WAG7 TKD ट्राई कलर भी अवेलेबल हो जाएंगे। छोटा अपडेट होएगा आपका अहमदाबाद पे, आपको न्यू अनाउंसमेंट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं चलते हैं। पहले आपको ZRTO में जाने का, ZRTO के बाद आपको com.hybrid.kit की फाइल ओपन करने का। ठीक है, उसको कॉपी करने का, कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉयड डेटा में जाके पेस्ट करने का, पेस्ट करने का आपको रिप्लेस करने का। पर आपको वैसा नहीं करना, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो कोच का असिस्ट का फोल्डर है वो आपको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे असिस्ट फोल्डर में, और रिप्लेस कर देने का सेम इंजन का और रूट का वही प्रोसीजर है। ठीक है ना, वैसे ही करना है। ये तो मेरे पास फाइल नहीं थी तो मैंने आपको बता रहा हूँ वीडियो में कैसे करते हैं। जिनको ये प्रोसीजर मालूम नहीं है उनके लिए ये है, ये अवेलेबल है। और जिनको प्रोसीजर मालूम है उनको कुछ करना नहीं, कोच का फोल्डर, फिर इंजन का फोल्डर और रूट का फोल्डर को कॉपी करके असेस फोल्डर में पेस्ट कर देना और रिप्लेस करके गेम खेल सकते हो। ठीक है, मैं इधर आपको दोनों को बता देता हूँ, कोच इंजिन का सबको बता देता हूँ कैसे करते हो। इसके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, 25% हो चुका है। ठीक है, यार हो गया, 30% हो चुका है। हम जैसे ये होता है मैं आपको बताता हूँ, कोच और इंजिन और अनाउंसमेंट। ठीक है ना, आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अपडेट बहुत दिनों के बाद आया है, क्योंकि मेरे को पैर में चोट आई है और मैं बेड रेस्ट पे था, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मैं अभी ठीक हो चुका हूँ, 95% ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो बना पाया हूँ मुश्किल से। अब मैंने देखी लास्ट वीडियो यस्टरडे को ही आई थी ट्रेंस के ऊपर, ना जी आया हाइब्रो के ऊपर वीडियो आ रही है। ठीक है ना, और दूसरी बात है कि ये जो अपडेट हाइब्रो वाले नहीं ला रहे, मैं ला रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मैं ही सबको मॉडिफाई करके ला रहा हूँ अपडेट, क्योंकि मेरे को इसका नॉलेज है कैसे क्या, कौन सा अपडेट कौन सा लाना है, कौन सा कोच लाना है, कौन सा इंजन लाना है, कौन से रूट पर काम करना है, कौन से इंजन लाना है। जैसे कि रेलवे के इंजन ला सकता हूँ, MSTS के इंजन में इसमें ला सकता हूँ, तो मेरे को इनका नॉलेज है। ठीक है ना, तो मैं इन चीज़ों में वर्क कर लेता हूँ आसानी से। ठीक है ना, जब तक ये होता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ बंदे पूछ रहे कि भाई आप अपडेट क्यों नहीं ला रहे हो ITS का। उसका रीज़न था कि मेरे को पैर में चोट आ गई थी, मैं 2 सीढ़ी से गिर चुका था, तो मैं बेड रेस्ट पे हूँ, 95% मैं रिकवर हो चुका हूँ, इसके कारण मैं आज वीडियो बना पा रहा हूँ। कल एक वीडियो आई है और आज दूसरी वीडियो आ रही है 6:30 बजे। ठीक है ना, तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस वीडियो को। यार मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, रिकवर पहले तो मैंने रिकवर हुआ हूँ फटाफट, दर्द से बहुत दर्द हुआ तो मैं रिकवर हुआ हूँ चोट से, और आज जाके वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना, बेल का आइकॉन बटन दबा देना, नोटिफिकेशन को ऑन रखना। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने फ्रेंड को शेयर कर देना ये वीडियो, और जो कल रात को भी जो वीडियो अपलोड की थी उसको भी शेयर करना, और आज वाली वीडियो को भी शेयर करना। ठीक है ना, और अच्छा अगर जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो डोनेट भी कर सकते हैं, नीचे मैं उसको डोनेट का ऑप्शन भी दे देता हूँ। जिसको डोनेट करो पेटीएम से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी कर सकते हैं, पेपल से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, डोनेशन तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे देता हूँ डोनेशन का भी। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर। मैं देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कोच इंफॉर्मेशन की फ़ाइल, इंजन इंफॉर्मेशन की फ़ाइल और रूट इंफॉर्मेशन की फ़ाइल दूंगा खाली मैं आपको,
लिंक पे, उसको कॉपी करके आपको असेस फोल्डर है उसमें जाके पेस्ट कर देना और रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। तो चलो अभी हम आपको बता देते हैं वीडियो, 1 मिनट। के रास्ते अहमदाबाद से चलकर हरिद्वार को जाने वाली 2031 अहमदाबाद हरिद्वार योला एक्सप्रेस प्लेट प्लान नंबर 9031 अहमदाबाद हरिद्वार योला एक्सप्रेस फ्रॉम अहमदाबाद वाया दिल्ली टू हरिद्वार हैज अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। May I have your attention, please? 9031 Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore.